रस्सी कूदने वाले खेल, ये खेल तो हम सभी ने बचपन में जरूर खेला होगा और कुछ लोग तो अभी भी खेलते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो इस रस्सी कूदने वाले खेल से हड्डियों की बनावट में सघनता आती है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। क्या आप यकीन करोगे, 10 मिनट तक रस्सी कूदना 8 मिनट तक दौड़ने के बराबर माना जाता है। और हाँ, इतना ही नहीं, जिन लोगों को अपना वजन कम करना हो तो वे हर रोज अगर आधा घंटा भी रस्सी कूदे तो एक हफ्ते में ही आधा किलो तक वजन कम हो सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखे सत्य फैक्ट एपिसोड 88 में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी नाक भी बहने लगती है। लेकिन क्या जानते हो आखिर ऐसा होता क्यों है? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। तो आपको बता दूँ, ऐसा इसलिए होता है, छोटे बच्चे के आंसू नाक के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं। मतलब आंसू अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि उसे कहाँ से भागना है। करेले का जूस सभी को कड़वा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी इसे पीकर अच्छा महसूस किया है? अगर नहीं तो ये बात जान लो कि करेले का जूस पीने से लीवर स्ट्रांग होता है और हाँ, लीवर की सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है ये करेले का रस। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार तो जरूर पीना चाहिए। वो बात अलग है कि हम नहीं पी पाते हैं। अच्छा, क्या आपने कभी ये गिनने की कोशिश की है कि हम एक मिनट में कितना देर सांस लेते हैं, यानी कि सांस को अपने अंदर लेते हैं? दरअसल एक सामान्य इंसान हर मिनट 15 बार सांस लेता है और इस तरह वह पूरे दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता और छोड़ता है और एक साल में करीब 50 लाख बार तक सांस लेता है। वैसे अगर आप अपना उम्र लंबा करना चाहते हो तो आपको गहरी सांसें लेनी चाहिए। कोशिश करें कि हमेशा लंबी गहरी सांस लें। सुबह में प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करें, ये आपकी जिंदगी को लंबा बना देगा। अच्छा, एक सवाल आपसे करता हूँ, देखता हूँ कितने लोग जवाब दे पाते हैं। एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें अल्फाबेट्स के सभी लेटर एक क्रम में आ जाएं। अगर आपने जवाब दे दिया तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन लोगों को इसका जवाब नहीं पता उन्हें बता दूं, वो वर्ड है ऑलमोस्ट। ये अंग्रेजी का सबसे लंबा वर्ड है जिसमें अल्फाबेट के सभी वर्ड क्रम में आते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वे स्मोकिंग के इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि वे एक दिन में 10 या इससे भी ज्यादा सिगरेट पी जाते हैं। जिन लोगों की माथे पर अधिक गहरी लाइनें नजर आने लगती हैं तो आप समझ जाना कि वे बहुत ज्यादा टेंशन या फिर बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। अगर ये दोनों बात नहीं है फिर कोई और ही बात हो सकती है। अगर आप कभी कभार सोडा पीते हो तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी यही शौक लत यानी कि आदत बन जाए तो ये सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सोडा में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है और अगर आप रोजाना एक गिलास सोडा पीते हो तो आपके शरीर में 26% तक शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे बहुत जल्द आप शुगर के मरीज बन सकते हो। और हाँ, रोजाना सोडा पीने से हार्ट अटैक का खतरा 20% तक बढ़ता है। और इतना नहीं, ये तो किडनी को भी प्रभावित करता है। और सबसे मेन पॉइंट तो ये है, ये आपको जल्दी बूढ़ा बनाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉस्फेट पाया जाता है। दोस्तों, गर्मी आ चुकी है और दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा, खासकर ज्यादा धूप में मत रहिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इससे बचने का एक तरीका है, अगर आप विटामिन सी का ज्यादा यूज करोगे जो कि नींबू संतरा में आसानी से मिलता है, तो ये आपको सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाएगा। कुछ लोगों का माइंड बहुत ही क्यूरियस होता है, यानी कि जिज्ञासु। मैं बचपन में सोचता था कि आखिर ये पत्ते हरे क्यों होते हैं, तो मुझे 6th क्लास में ये पता चला कि ये तो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। ऐसे ही क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसानों का रंग गोरा, काला या फिर सांवला क्यों होता है? अगर आपको पता है तो आप बेशक कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हमारी त्वचा में पाए जाने वाले मेलानिन नामक रंग की मात्रा के आधार पर यह तय होता है कि इंसान का रंग गोरा होगा या फिर काला। जिस इंसान में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है वे काले होते हैं और जिनमें बहुत कम होती है वे गोरे होते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, हमारी आंखों का रंग भी इसी पर निर्भर करता है। अच्छा, क्या आपको पता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अगर आपको पता है तो बेशक कमेंट में बता दीजिए। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हम इंसानों का सबसे बड़ा अंग कोई और नहीं बल्कि हमारा त्वचा यानी कि स्किन है। दोस्तों, हैकिंग एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय भी है। आपने हैकिंग से रिलेटेड तो बहुत सारी घटनाएं और मूवीज देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हो सबसे ज्यादा हैकर किस देश में पाए जाते हैं? तो आपको बता दूं, वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है। यहाँ तो चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा हैकर पाए जाते हैं और कहा तो ये भी जाता है, हर 10 हैकिंग में से कम एक के पीछे चीन का हैकर जरूर शामिल होता है। दुनिया का सबसे नंबर वन हैकर केविन मिटनिक है। वहीं बात करें अपने भारत की तो भारत के सबसे नंबर वन हैकर हैं विवेक रामचंद्रन। वैसे अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हो तो आप किसी अच्छे से प्लेटफॉर्म से एथिकल हैकिंग का कोर्स कर सकते हो। यूट्यूब पर इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारियां मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहोगे वो भी कमेंट में आप बता सकते हो और वीडियो की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।